एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि गेम में नया अपडेट आ चुका है, विंटर अपडेट। और इस अपडेट में आपको याद होगा पिछली बार हमें एक मस्टैंग मिली थी, स्नोमैन एडिशन मस्टैंग। लेकिन हालांकि मेरी उम्मीद कुछ और थी, मैं तो चाह रहा था मुझे निसान GTR, फरारी XX, डॉज वाइपर, इनमें से कोई एक कार मिल जाती मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता। लेकिन इन्होंने नाराज कर दिया यार, देखो मेहनत मेरी काफी ज्यादा लगी थी। लेकिन चलो वो सब छोड़ो, और आपको पता है कि गेम में एक नया मैप भी ऐड करा गया है, रेड वैली मैप। तो वहां पे भी आज हम वापस से जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ चीज दिखानी है जो कि शायद से मैंने पिछले एपिसोड में नहीं दिखाई थी। तो देखो अभी ना मेरे पास $2,34,056 पड़े हैं, और जिन्होंने पिछली स्ट्रीम देखी थी ना उनको याद होगा कि हमने अपना जो शोरूम है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ना बना तो दिया, हालांकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट करना है। मेरा बहुत सारा पैसा चल गया था यार उसमें। देखो तो मैंने इस बार ना कुछ इस टाइप का बनाया है। देखो पिछली बार जो हमने अपना शोरूम बनाया था उसमें हमने ग्लास लगाए थे, ठीक है, पूरा ग्लास का शोरूम मैंने बनाया था। लेकिन मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा अलग ट्राई करते हैं, इस बार ब्रिक्स का बनाते हैं, ठीक है, मतलब जो वॉल्स है मैंने ये वाली लगाई है। तो देखो ये वाली वो कार है मस्टैंग जो कि हमें पिछली बार मिली थी। लेकिन अभी ना मैं सोच रहा हूँ इसको बेचने का यार। अब इसका प्राइस मुझे देखने कितना मैं सेट कर सकता हूँ। अगर मुझे उतना ही प्राइस मिला जितने में बिकती है, ठीक है, फिर तो नहीं बेचूंगा, फिर तो फायदा नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं यार, इसको ना अंदर ले जाने के लिए मुझे कोई दूसरा रास्ता बनाना पड़ेगा। ऐसे दरवाजे से ठोक ठाक के ना फिर भाई डैमेज हो सकती है। लेकिन एक सेकंड, आज ऑक्शन भी चालू है वो, वेट अभी 12 बज रहे हैं ना, तो ऑक्शन भी हम चलेंगे। एक काम करते हैं इसको ना अभी अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए अपने पास कोई कार नहीं है, तो अभी मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। और देखो अपने पास ना एक चेवरलेट पड़ रखी है जिसको अभी मुझे बेचना है। क्या बोला तूने? चेवरलेट पड़ रखी है ये लोंडा की है जिसको अभी मुझे बेचना है। तो मैंने इसको सेल पे तो लगा रखा है, पहले मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इसको, ठीक है, ताकि थोड़ी सी जो XP है ना मुझे वो मिल जाए। मुझे XP की काफ़ी ज़्यादा अभी ज़रूरत है। मेरा वर्कर तो काम नहीं कर रहा, उसको मैंने बिना फालतू में काम पे रख रखा है, बताओ। मुझे काम करना पड़ रहा है वर्कर होते भी। लेकिन चलो यहाँ से मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, ठीक है, पीछे से रह चुकी है। ओके ये हो चुकी है साफ। एक सेकंड, मुझे पॉइंट क्यों नहीं मिला फिर वो वाला पूरा XP कंप्लीट वाला? वो वेट यहाँ पे बच रखा है ना, तभी मैं सोचूं। देखो अब मिला ना पूरा 4 XP। तो एक काम करते हैं इसको अब हम रख देते हैं, ठीक है, और फटाफट से जो अपना ऑफिस है मैं इसको ओपन कर देता हूँ। चलो भाई ऑफिस अपना ओपन हो चुका है, और 12 बज चुके हैं यार। 2,34,000 में कम से कम मेरे पास ना 8-10 लाख रुपए होने चाहिए, डॉलर होने चाहिए, तब जाके मुझे कोई रेयर कार मुझे मतलब मैं खरीद सकता हूँ अगर आती है तो, निसान GTR वगैरह। तो यार ये कार फटाफट से अगर बिक जाए ना तो मुझे इससे $1,00,000 तक तो मिल ही जाएगा। ये कस्टमर तो अभी आ ही नहीं रहा यार। और अब तो इन्होंने ना एक सीन ऐड कर दिया कि मैं पीछे जाके ना कार में चेक नहीं कर सकते कौन सी कार आ रखी है। हम ग्लिच से चेक कर लेते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है, अब हमें यार बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है एक भी? सेल पे लगा तो रखी है ना मैंने। हाँ सेल पे लग तो रखी है भाई। अच्छा यार ओके, तो फाइनली अपना जो पहला कस्टमर है वो आ चुका है। और हमें एक चीज़ आपको बोलना ही भूल गया, हैप्पी न्यू ईयर भाई, आप सभी को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आई होप आप सभी का ये वाला जो साल है वो बहुत बढ़िया जाए। कस्टमर कहाँ चल गया? साल तो बढ़िया चल जाएगा, कस्टमर कहाँ भाग रहा है ये? अरे तू पागल है क्या? शोरूम के अंदर नहीं आई भाई, शोरूम के बाहर आ चुकी है ये। बताओ यार अजीब ही प्राणी है यार, $1,00,000 लगाया भाई, 89 दे रही है भाई, तो इसका मतलब ये आराम से मुझे 98 तक दूध दे ही देगी। 98,000 मैडम ले जाओ कार, ले जाओ आपकी है, मुझे पता था खरीद लेगी। चलो जितने में मैं चाहता था उतने में मेरी कार बिक चुकी है, और 2 से ज़्यादा बच चुकी हैं। फटाफट चलो जल्दी 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 यहाँ से हटो, वहाँ पे कोई बढ़िया सी कार आ गई होगी ना सुपरा वगैरह, तो मैं उसको खरीद लूँगा। अबे तीन भाई, चारों कार आ गई उसमें। वेट अभी तो ऑक्शन स्टार्ट हुई है, कौन शुक्र है मैं जल्दी नहीं आया, चारों बेकार कार आ रखी है। बताओ यार ये ऑक्शन में नहीं, ऑक्शन वालों ने ना हद कर रखे सही में। कितने कितने की भाई? 57 की। ये तो सारी बेकार कार थी, हमें इनमें से चाहिए कोई कार भाई, फरारी, डॉज वाइपर, निसान, माज़दा। लेकिन उसके लिए मुझे पैसे इकट्ठा करना पड़ेगा। काश ये सेंटा मुझे और भी कार्स दे पाता ये रेयर वाली, तो मज़ा आ जाता। लेकिन अभी मैं काम करने वाला हूँ, सबसे पहले ना आज का जो डे है हम चल के स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि कल संडे है, कल कार मार्केट ओपन होगी ना, तो कार मार्केट से आई होप मुझे कोई बढ़िया सी कार मिल जाए यार, मुझे कोई बढ़िया सी कार मिल जाए जिसको बेच के मैं अच्छा खासा पैसा छाप दूँ। तो एक काम करते हैं फटाफट चलते हैं नेबरहुड और जाके सो जाते हैं। The next day. Let's go. तो अगला दिन हो चुका है स्टार्ट, और जैसे कि मैंने कहा था कि कार मार्केट ओपन होगी, तो अभी हम वहीं पे जाने वाले हैं सीधा, ठीक है, और देखते हैं कोई कार हमें बढ़िया सी मिल जाए। एक सेकेंड यार प्लीज, एक कार दे दो मुझे कोई बढ़िया सी यार। ओ पोर्शे है, ठीक है, यहाँ पे एक पोर्शे है तो मैं इसको खरीदने वाला हूँ। शुक्र है भाई, कम से कम एक कार तो बढ़िया मिली मुझे। कितने की बोल रही है? 1,32,000। नहीं 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 मैडम, ज़्यादा हो गया। 1,32,000 नहीं, 90,000 में दे दे, 90,000।
नहीं तो एक काम कर तू, 110,000। ठीक है सीधा मैंने भाई 20,000 बढ़ा दिया प्राइस, अब तो दे देगी, मुझे पता है भाई, मुझे पता है। ठीक है एक कार मुझे मिल चुका है, उससे मुझे एक बैटरी का पार्ट मिल चुका है मुझे, लेकिन और कोई कार है यहाँ पे थोड़ी महंगी वाली 50-60 हज़ार तक की? लग तो रही नहीं रही मुझे, और है भी नहीं। यहाँ ये वाली कौन सी है, स्कोडा? स्कोडा ही है क्या? रोंगी की ये पता नहीं कौन सी कार है, कितने की, 40 की नहीं खरीदी मुझे। रहने दो, हम भाई पोर्शे को भाई थोड़ा सा बढ़िया सा मॉडिफाई करके मैं इसको बेचने वाला हूँ। ये डैमेज है क्या? 4% डैमेज है, इतना तो डैमेज चलते हैं भाई, वैसे भी रिपेयर करवाने में ना बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, तो मैं रिपेयर करवाऊंगा नहीं, बस इसकी मॉडिफिकेशन में करवाने वाला हूँ। ठीक है, और सेंटा भैया यार कोई तगड़ा सा गिफ्ट दे के चल दो यार, काश ये डब्बों से भरा नोट, मतलब अरे कहना क्या चाहते हो। ओके तो फटाफट इसको लेके चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अभी यार अंदर आते ना देखो कार कितनी चमचमाती है, अबे रुक जा यार तू जा कहाँ रही है, तो कितनी बढ़िया लग रही है। अगर ऐसी कार होगी ना मैं इसको पेंट वगैरह कुछ भी ना कराऊँ, कितनी मस्त लग रही है। लेकिन बाहर ले जाते इसका पता नहीं हुलिया क्यों इतना बेकार हो जाता है। रेसिंग किट NOS, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो व्हील है वो चेंज कर देते हैं, प्लेट जो है ये भी चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, कैलिफोर्निया, और सस्पेंशन तो ठीक है बिल्कुल कम कर देंगे हम, और यहाँ से जो लाइट्स हैं वो भी हम दूसरी इसमें डाल देते हैं। अभी ये तो बेकार हो गई, आइए डाल देते हैं। चलो इसकी हो चुकी है मॉडिफिकेशन, और अब इसको निकालते हैं बाहर। ठीक है, अब बस मुझे इसको पेंट करवाना है। देखो बाहर निकलते हैं कितनी बेकार लग रही है यार, अब इसको वापस मैं अंदर लेके चलता हूँ। ये देखो क्या मस्त लग रही है, रुक जा, जैसे लग रहा है कितनी ज़्यादा पॉलिश कर रखी है गड्डी, देखो वाई अल्टीमेट लग रही है यार। चलो मैं काम करता हूँ फटाफट से, मैं इसको पेंट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको हम करेंगे इसको कर देते हैं ये वाला पेंट। ठीक है, थोड़ा सा मेटालिक इसका बढ़ा देंगे, और स्मूथनेस थोड़ा सा 8,500। अबे नहीं यार ज़्यादा पैसा ले रहा है भाई, बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है, 8,500 नहीं, इतना पैसा नहीं देना। अब एक काम करते हैं इसको लेके चलते हैं, ठीक है, और फटाफट से मैं इसको भी सेल पे लगाता हूँ, देखते कि ये कितने में अपनी जो कार है वो बिक जाएगी। एक सेकेंड, यहाँ से लेके चला जाए, ठीक है बच गई। अच्छा भाई यहाँ पे डैमेज नहीं हुआ, और मुझे अपने शोरूम की जो रूफ है ना भाई वो भी बनानी पड़ेगी यार। अब तो पैसे की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है भाई अपने पास, लेकिन चलो अब एक काम करते हैं फटाफट से, पहले थोड़ा सा इसका फोटोशूट कर लेते हैं। ठीक है, सेव, थोड़ा सा पीछे से लेते हैं यहाँ से, अब ठीक आइए। और अब एक काम करा जाए फटाफट से, इसको लगा दो सेल पे वेब पेज, और यहाँ पे अपनी पोर्शे कितने की है, 1,10,000 की खरीदी है ना मैंने, तो मैं 2,50,000 लगा देता हूँ। ठीक है, और इसके यहाँ पे जो फोटोज़ है ना कहाँ की, एक ये वाली है, ठीक है, और एक है ये वाली। चलो अब इसको पुट इट ऑन सेल लगा देते हैं। चलो ये लग चुकी है अपनी सेल पे, और हाँ उसका देखता हूँ मैं मस्टैंग का मैं कितना लगा सकता हूँ प्राइस। यार इसका प्राइस अभी मैं यहाँ पे देख नहीं सकता ना, दिक्कत तो ये है ना, मैं इसका हाई वैल्यू जो है ना हाई प्राइस देख नहीं सकता हूँ, तो इसको मैं रहने देता हूँ फिर सेल पे लगाना। ठीक है, जब वो अपनी स्किल अनलॉक हो जाएगी ना, अभी तो मेरे पास एक भी स्किल पॉइंट नहीं है, तो जब वो हो जाएगा तब मैं कर लूँगा। फिलहाल अभी अबे वेट यार, मैंने इसको यहीं पे खड़ा कर रखा है, एक सेकंड रुको, इसको टो ट्रक करवा देते हैं। कस्टमर आया कोई? नहीं अभी तो कोई कस्टमर आया नहीं है, लेकिन चलो थोड़ी देर में कस्टमर जो है वो भी आ जाएगा। लेकिन देखो जब तक कस्टमर आता है ना तब तक मैं एक काम कर सकता हूँ, इन्होंने ना कुछ डेकोरेशन का जो आइटम है वो भी ऐड करा है। एक मिनट, इसमें नहीं अपने ऑफिस में, यार ऑफिस का ऑफिस एडिट में जाना पड़ेगा मुझे, पहले मुझे अपना ऑफिस क्लोज करना पड़ेगा। कस्टमर आ जाता ना तो मैं कार को बेच के फिर अपना ऑफिस एडिट कर लेता, बट अभी कस्टमर नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं बंद कर देते हैं। और अब फटाफट से चलते हैं ऑफिस एडिट मोड में। तो डेकोरेशन में ये रहा, तो देखो यहाँ पे ना कहाँ गया, देखो ये कुछ क्रिसमस वाला एडिशन इन्होंने ऐड कर रखा है, जहाँ पे क्रिसमस ट्री है, स्नोमैन है, और ये भी कुछ है भाई पुतले से छोटे छोटे से, तो ये सब मैं रख सकता हूँ। वेट, ये वाला मस्त है भाई, इसको रख देंगे। ये कहाँ पे रख सकते हैं, ये बाहर नहीं रख सकते यार, मैं ऐसे यहाँ पे रख सकता हूँ अंदर, बड़ा बाहर रख जाता ना, बाहर मस्त लगता। इसको एक काम करते हैं यहाँ पे रख देते हैं, ओ नाइस बढ़िया लग रहा है। एक रख देंगे हम यहाँ पे, ये दो हो गया। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं हम ये छोटे छोटे से, और इनको भी हम ऐसे करके रख देंगे इधर ऐसे करके। ठीक है, कस्टमर की एंट्री बहुत बढ़िया होनी चाहिए भाई। और एक सेकंड रुको, उसको वो मैं हटा दूंगा, सेल वाला जो है ना उसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। रुको यार, मैं इसको पहले मूव ही कर देता हूँ, यहाँ से मूव एंड इसमें चलते हैं, इसको उठा के यहाँ साइड में रखते हैं। ठीक है, और इसको भी उठा के यहाँ पे रख देंगे हम इस साइड में, ये यहाँ पे। ठीक है, और अब एक काम करते हैं, अब फटाफट से यहाँ पे जो और डेकोरेशन का आइटम है ना, स्नोमैन, अबे 10,000 का है भाई, एक तो बहुत ज़्यादा महंगा है यार ये, तो इसको मैं बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में रख दूँ, बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा ये। नहीं यार बेकार लगेगा फिर, तो काम करते इसको यहीं पर रख देता हूँ मैं ऐसे करके, ये एक यहाँ पे। ठीक है, और $10,000 हम और यहाँ पे लगाने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो चुका है। और ये क्या चीज़ है यहाँ पे, बड़े बड़े छोटे छोटे से हैं ये। अच्छा, ये तो फिर यहीं पे आ जाएंगे यार, देखो ये ना ऐसे एंट्री पे, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक आ जाएगा अपना ऐसे बिल्कुल सीधा यहाँ पे। ठीक है, और एक ये भी है,
अभी ये सब इतना ज्यादा आइटम नहीं रखना हमने, बस बहुत है इतना। देखो क्या मस्त यहाँ पे एंट्री हमने कर दिया भाई, कस्टमर आराम से है, मस्त यहाँ पे आ सकता है। कुछ कारपेट वगैरह भी होता ना, कारपेट कुरपेट नहीं है इसमें, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता। नहीं है यार वो वाला ऑप्शन, ये यार मैंने ये तो रखा ही नहीं क्रिसमस ट्री भाई, ये कहाँ रखूँ मैं। ये चलो यहाँ पे साइड में रख देते हैं, ठीक है एक यहाँ पर रख देते हैं, और बस एक ही बहुत है यार, ठीक है एक ही बहुत है यहाँ पे, ठीक है भाई। कितना मस्त लग रहा है यार, देखो अगर मैं यहाँ पे रख सकता ना इन सबको ऐसे लाइन वाइज कितना बढ़िया लगता, लेकिन मैं रख तो सकता हूँ, उसके लिए मुझे पता है ये वाली वॉल्स तोड़ के ना एक पीछे करनी पड़ेगी, लेकिन अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको तोड़ूँ फिर वापस से वॉल्स को दोबारा से यहाँ पे रखूँ, इसलिए मैं अभी रहने देने वाला हूँ। अब एक काम करते हैं, फटाफट से अपना ऑफिस में वापस से ओपन कर देता हूँ, बस यहाँ पे फटाफट कस्टमर आ जाए, मैं पोर्स को बेचूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं कोई दूसरी कार लेके आऊँ, फिर उसको भी मैं बेच दूंगा यहाँ पे, या फिर एक काम कर सकता हूँ कार मार्केट से ना मैं कार लेके आ जाऊँ कोई छोटी मोटी। ओके तो काफी देर तक वेट करने के बाद फाइनली अपना जो पहला कस्टमर है वो आ चुका है, तो फटाफट से इससे बात करते हैं और देखते हैं कि कितना प्राइस हमें देता है। 2.5 लाख मैंने बोला है और ये बोल रहा है 1,42,000। यार 1,11,000 तो मेरा उसमें बाय प्राइस चल गया, 10,000 का मेरा एक्सपेंस चल गया, तो 1,42 तो बहुत कम है यार, कम से कम 2,20,000 भाई, 22,000 नहीं 2,20,000, 2,20,000 खरीद ले भाई प्लीज़ नहीं 2,10,000 यार, 2,00,000 से तो ऊपर ही बेचना है मुझे, 2,00,000 से नीचे बिल्कुल नहीं बेचना, नहीं तो आखिरी प्राइस है 2,00,000, ठीक है 2,00,000 आखिरी प्राइस है, खरीदना खरीदो तो बाहर में जा, कोई बात नहीं हम नहीं बेचेंगे भाई, रहने दे तू रहने दे, डोंट सेल, हम कोई दूसरा कस्टमर देख लेंगे। ओ यहाँ पे एक और कस्टमर आ चुका है भाई, एक पता नहीं कब पीछे से आ गई, लेकिन ये कितना बोलती है 1,88,000 भाई, ये कस्टमर चाहिए था, मैं बेकार ना उससे वो कर रहा था, वो सेल नहीं करना अभी, बार्गेन करना है। ये 1,88,000 बोल रही है ना ये, तो 2,40,000 पहले बोलते हैं इसको, 2,40,000 ले जाओ मैडम ले जाओ, नहीं तो 2,25,000 खरीद ले, नहीं तो दो कस्टमर और पीछे घट रखे उनको बेच दूंगा मैं। डोंट वॉन्ट टू नेगोशिएट, नहीं ऐसा नहीं करना था, डोंट सेल करना पड़ेगा मुझे यार, बढ़िया प्राइस दे रही थी यार लड़की, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि ये कितना प्राइस देते हैं। 1,80,000 वो 1,88,000 दे रही थी यार, इसको देख लेते हैं कितना देते हैं, 1,95,000 क्या बात है भाई, 2,40,000 ये तो खरीद लेगा, 2,30,000-2,35,000 में तो आराम से मानेगा ये, 2,40,000 में तो शायद ही माने, हाँ चलो कोई बात नहीं, अब 2,30,000 बोलते हैं इसको भाई, ये कस्टमर जाना नहीं चाहिए, इसी को कार बेचनी है मुझे, 2,30,000 अबे जा यार तू ले जा तू भी खुश रहे भाई साहब, यार बंदा भी खतरनाक था, एक बार बार्गेन करा उसके बाद बार्गेन ही नहीं करा, लेकिन चलो अपनी कार बिक चुकी है, मेरे पास $3,78,000 हो चुके हैं, तो अभी मैं वापस से जाने वाला हूँ घर, और अभी फटाफट से ना मैं थोड़ा सा पैसे इकट्ठा करता हूँ ताकि मैं कोई सुपर कार लेके आऊँ यार भाई, बड़ा टाइम हो चुका है मैंने और निसान GTR वगैरह ना फरारी XX ये सब चलाई नहीं है, तो मुझे वो कार चाहिए यार। 1,000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 
मुझे अभी सामने यहाँ पे दो सुपर कार्स नजर आ रही है, एक तो फरारी और एक है लैम्बो। और कोई है क्या? नहीं, यहाँ पे एक BMW भी है, तो वो भी थोड़ी सी महंगी होगी। दो दो है भाई, ये मस्टैंग भी है, तो आज का दिन तो काफी ज्यादा बढ़िया है। एक काम करते हैं, सबसे पहले लैम्बो का प्राइस पूछते हैं। डैमेज तो नहीं है, डर्टी है और फ्यूल कम है, कोई चक्कर नहीं। 434,000 ना, तो अबे यार ये मेरे को 360,000 में दे देगा। यार मुझे लैम्बो चाहिए यार। भाई साहब, भाई 360,000 में दे दी इसने, 434,000 बोल रहा था भाई। कोई स्कैम स्कूम तो नहीं हो गया ना? नहीं, डैमेज बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात है भाई, बड़ा सही प्राइस मिल गया मुझे तो। $18,000 अभी भी देखो अपने पास पड़ रखे हैं। बस यहाँ पे मुझे देखो इसकी मॉडिफिकेशन करानी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे रिपेयर वगैरह कुछ नहीं कराना, तो अपना इतना ज्यादा पैसा इसमें लगेगा नहीं। और इसको अच्छा खासा प्राइस में बेचने वाले, कम से कम 6-6.5 लाख में तो मैं इसको आराम से बेच ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद वहां से मैं फरारी भी अभी लेके आता हूँ। भाई आज मेरे पास लग रहा है कि $10,00,000 तक आज हम आराम से कमा लेंगे, ठीक है, जिस हिसाब से आज मुझे ये कार मिल गई ना। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको पीछे लेके चलते हैं, क्योंकि अभी मुझे इसको कराना है फटाफट से मॉडिफाई। 18,000 में पता नहीं अपना मॉडिफिकेशन, वैसे हो तो जानी चाहिए यार, ठीक है, इतने में तो हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो टर्बो NOS 3,000 इसने ले लिए, 4,000 ये ले लेगा। अबे यार व्हील ले लेगा 5,000, कितने बजे? $2,753। तो प्लेट अपनी चेंज कर देते हैं हम,
ठीक है, इसमें लग जाएगा अपना $30। उसके बाद सस्पेंशन भी कम करनी हमें पड़ेगी, $120 यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, फिर लाइट्स भी चेंज करनी पड़ेगी मुझे, और इसमें लग जाएंगे फिर अपने $80। ठीक है भाई, इसके अंदर अंदर अपना जो मॉडिफिकेशन का काम है वो भी हो चुका है। पेंट तो नहीं हो पाएगा ना, पेंट में तो फिर ज़्यादा पैसा चाहिए होगा ना। मेरे पास $2500-$2300 पड़ रखे, देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं कि अबे कहाँ, इसको क्या हो गया भाई, अपने आप कहाँ भाग रही है ये। रुक जा, शुक्र है भाई ठुकी नहीं आगे जाके, नहीं तो अभी लेने के देने पड़ जाते मुझे, इसको रिपेयर कराना पड़ता ना, मेरे पास पैसे भी नहीं है। इसको आराम से रोक दो यहाँ पे, आगे भाग रहे हैं नहीं तो, क्या हो गया तेरे को, टार्ज़न दी वंडर कार बन गई क्या? मैं इससे बात करता हूँ भाई फटाफट से रिपेयर। उफ, बहुत पैसा मांग रहा है, $20,000 मांग रहा है यार ये तो, इतना तो पैसा है नहीं मेरे पास। मैं तो काम कर रहा हूँ बिना पेंट करवाए भेज देंगे इसको, ठीक है, यही पेंट बढ़िया है इसमें, काम करते फटाफट से लेके चलते हैं। ठीक है, कस्टमर को बोलेंगे ब्लैक वाला पेंट, ये बहुत ज़्यादा रेयर पेंट है लैम्बो वाला, इसलिए तुम इसको थोड़ा महंगे में खरीद लो। अबे लैम्बो घुसे गिने क्या इसके अंदर यार, चल तो जानी चाहिए। अबे वो आ रहा है यार वो गुड्डा सा, मुझे काम करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा यार यहाँ से। ठीक है, इसको या फिर मैं पीछे से ना वो तोड़ देता हूँ, एक सेकंड रुको, मैंने पीछे से एक वो जो वॉल है ना उसको तोड़ देते हैं, ताकि वहाँ से मैं अपनी कार्स को अंदर लेके आ सकूँ, ये वाली ना, यहाँ से काम करते, सेंटर वाली तोड़ देता हूँ मैं, डिलीट मारते हैं इसको, चलो ठीक है, और बाद में हम सही कर देंगे उसको। फिलहाल अभी ये जमीन के अंदर कैसे घुस गई, ऊपर आ जा, जमीन के अंदर क्यों घुस जा रही है? माना कि मैंने सस्पेंशन इसकी कम कर दिया है, लेकिन इतनी भी नहीं कि जमीन में घुस जाइए। अब एक काम करते हैं फटाफट से लेके चलते हैं, और वेट, मुझे कुछ दिखा वहाँ पे पीछे, शायद से वो कोई गिफ्ट था, तो मुझे अभी वो देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं फटाफट से ना इसको यहाँ पे पीछे लगा देता हूँ, ठीक है, जल्दी से मुझे इसको सेल पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो आज का दिन अगर ख़त्म हो गया ना तो वो फरारी चल जाएगी अपने हाथ से। ठीक है, फोटो खींचना बाद में करेंगे, अब से पहले यहाँ पे चलते हैं फटाफट से कार फॉर सेल, और हमने 3 लाख किया ना, वैसे इसका प्राइस तो मैं 8 लाख 8.5 लाख लगा, अभी जीरो नहीं लगाना आगे, 8.5 लाख लगाने वाला हूँ मैं, ठीक है, 8,50,000। लो भाई सेल पे लग चुकी है ये, बस मुझे जाके फटाफट से जो अपना ऑफिस है इसको कर देना है ओपन। और मैंने पीछे देखा था कि शायद से कोई गिफ्ट था, मुझे लग तो रहा था, वो छोटा सा मुझे नजर आ रहा है, आई थिंक वो गिफ्ट ही है, और ये गिफ्ट ही है भाई, इसमें से पैसे मिलने चाहिए बस, मुझे पैसे ही मिले, $1245, बहुत बढ़िया, नाइस। मैं और देख लेता हूँ, क्या पता ऐसे कर करके मुझे थोड़े से और पैसे मिल जाए कुछ है। ओ वेट, कस्टमर आ चुका है, फटाफट चलो भाई, उससे ज़्यादा पैसा मुझे कस्टमर ही दे देगा, तो फटाफट से भी चलते हैं और देखते हैं कि वो कितना प्राइस हमें बोलता है। ओके, तो इससे अब करते हैं बात, 8.5 लाख मैंने लगाया है, और ये बोल रहा है 4,78,000, बहुत कम बोल रहा है यार, बोल रही है सॉरी, ऑफर 7,50,000 यार, ये तो बहुत कम बोल रही है ना, फिर इसको बेचना रहने देते हैं, काम करते छोड़ो यार, इसको क्या बेचना, ठीक है, अबे तू जा यार यहाँ से, तेरे से नहीं होगा। वो भी पीछे कस्टमर आ चुके हैं तो उसको बोल देंगे हम, क्या पता वो बढ़िया प्राइस दे दे। ये कितना बोल रही है, 4,78,000 ना, इसको देखते हैं कितना बोलती है, बस ये कोई बंदा 5.5 लाख तक के आसपास बोले ना फिर बढ़िया रहेगा, 5.5 लाख से ऊपर, 5,71,000 बहुत बढ़िया, तो इससे बार्गेन करते हैं, पहले 7.5 लाख बोलूँगा मैं इसको, नहीं मानेगी मुझे पता है, 7.5 लाख में नहीं मांगेगी, लेकिन ये ट्रिक है तुम्हारे भाई की, अब बोलेंगे 7 लाख, ठीक है 7 लाख, नहीं तो एक काम भाई, वो नहीं करना था यार, बंदे क्यों बार्गेन वो नहीं कर रहे हैं, 5,71,000 भाई बताओ यार, यार इसमें तो बात नहीं बनेगी, रहने दे भाई यार, बंदे एक बार बार्गेन कर रहा है उसके बाद बार्गेन कर ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों, मेरा कोई स्किल वगैरह वो करना पड़ेगा क्या, एक सेकंड रुकना, कौन सा स्किल है ये, हैप्पी कस्टमर, कस्टमर आर लेस एंग्री नाउ, तो मुझे लग रहा है मुझे इसको भी अनलॉक करना पड़ेगा, लेकिन यार मेरे पास इतने स्किल पॉइंट्स है ही कहाँ, एक मिनट रुको, इसको साफ़ करने की ज़रूरत है, इसको नहीं, इसको साफ़ करने की ज़रूरत तो है नहीं, वैसे ही इतनी साफ़ पट रखा है, तो चलो अभी मुझे कस्टमर का वेट करना है यार, बस कस्टमर आ गया ना, कम से कम 6.5 लाख में तो मुझे बेचना है इसको, 6.5 लाख 7 लाख के आसपास। ओके, तो चलो अभी मुझे अपनी जो कार है वो $6,50,000 में ही बेचनी पड़ी, और अपने पास $6,56,000 हो चुके हैं, तो अब जाके मैं वहां से वो जो फरारी है, ठीक है, उसको भी लेके आने वाला हूँ। BMW भी थी ना वहाँ पे, दो थी शहर से, तो उन दोनों के भी हम खरीद लेंगे, ठीक है, 40-50 हज़ार के आसपास हमें वो भी मिल जाएगी, तो मैं वो भी खरीद लूंगा। और कोई है यहाँ पे, मस्टैंग तो मुझे नहीं चाहिए, ये वाली फरारी, ठीक है, देखते हैं कि इसका प्राइस कितना है, डैमेज है 16%, ये 2,42,000, तो एक काम कर भाई तू मेरे को 1,80,000 में दे दे, क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा है, नहीं
तो 2 लाख में, ठीक है 2 लाख में दे देना चाहिए यार वैसे, बहुत बढ़िया। चलो 2 लाख में हमें एक फरारी मिल चुकी है और अब इसको एक काम करते हैं रिपेयरिंग के लिए भेज देते हैं। और यहाँ से देखो मैं इसकी बात कर रहा था तो ये BMW M3 31% डैमेज है, 40,000 बहुत महंगा है भाई, 30,000 रुपये दूंगा भाई, 30,000 में दे देगा, नहीं 33,000 33,000 अब तो मान जाए, बहुत बढ़िया 33,000 में हमें एक BMW ये भी मिल चुकी है। और यहाँ पे ये वाली मैंने ये देखी थी, ये भी मस्टैंग है, मस्टैंग तो नहीं चाहिए मुझे, रोंगी R7 ये कितने की है, 44 की बोल रहा है, चलो मैं ये भी खरीद लेता हूँ यार, ठीक है इसको हम एक काम करते हैं 35 बोल, अभी 3,50,000 नहीं भाई साहब मेरा पैसा चल जाएगा ऐसे, तो $4,00,000 मेरे पास पट रखे हैं वैसे, नहीं 35 में नहीं तो 38,000 दे दे अब तो, चलो बहुत बढ़िया हमें एक 38,000 में ये भी मिल चुकी है। तब एक काम करते हैं इसको बेचते हैं हम, डैमेज है ये 41% यार, डैमेज कार बहुत ज़्यादा मिल रही है मुझे, रिपेयरिंग के लिए इसको बेचते हैं। और अपने जो ये BMW है ये भी डैमेज है तो इसको भी मुझे रिपेयर करवाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अभी फटाफट से इसको लेके चलते हैं और इन तीनों का ना मैं सेल करता हूं और देखते हैं कि इन तीनों को बेचने के बाद अपने पास कितना पैसा होता है, क्योंकि उसके बाद ना अपने पास कल का दिन है, ठीक है कल वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन है, तो 2 दिन ऑक्शन ओपन होगी, तो दोनों दिन हम अपना लक ट्राई कर सकते हैं, क्या पता हमें वहां से कोई सुपर कार मिल जाए तगड़ी वाली। ओके तो अभी देखते देखते मेरे पास हो चुके हैं $4,73,804, लेकिन यार अभी ना जो फरारी है वो नहीं बिक रही भाई, पता नहीं बंदे इस पे इतनी ज़्यादा जो बार्गेन है वो कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन यार ऑक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं तो मुझे ना अभी ऑक्शन के लिए जाना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था कि भाई मैं फरारी को भी बेच देता, ठीक है ताकि मुझे उससे ना कम से कम $5,000,000 मिल जाते और फिर अपने पास भाई और क्या कहते $10,00,000 हो जाते यार, तो फिर वहां से ना मैं कोई तगड़ी कार लेके जाता, लेकिन आप देखो कस्टमर नहीं आया, बताओ जिस समय आना था उस समय आया नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं कोई कार आती है ढंग की, एक बार चेक कर लेते हैं, ये तो बेकार आई है, BMW आई है जो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है हम यहाँ पे खड़े के देखेंगे। सबसे पहले मैं टिकट नहीं खरीदूंगा, जब कोई कार आएगी ना तब टिकट खरीदूंगा, बिना पैसे फालतू में पैसे क्यों लगाना, तभी मैं बस यहाँ पे वेट करने वाला हूँ। देखते हैं 45,000, ठीक है इसका प्राइस ही बढ़िया चल गया 46। अब देखो जो बिड का अमाउंट है ना, मतलब जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो हमें ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। 50,000 भाई, 51 क्या बात है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा जा रहा है इसका प्राइस तो यार। 54 अभी 60,000 तक चल जाएगी क्या ये BMW, और ये कौन सी है, ये भी ये तो वैन दे रखी इन्होंने, ये तो वैसे ही नहीं चाहिए मुझे। 3-4 नंबर देखते हैं कि 3-4 नंबर में कोई बढ़िया सी कार आती है, 4,73,000 में तो वैसे मैं कोई दूसरी कार खरीद नहीं पाऊंगा, सुपर वगैरह लैम्बो वगैरह मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन यार निसान GTR वगैरह तो इतने में नहीं आएगी, मुझे कल ही आना पड़ेगा इसका मतलब, बस आज ना निकल जाए भाई, ठीक है आज नहीं निकलनी चाहिए मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है नहीं, कस्टमर ऑफिस में आ चुका है, बट अभी कोई फ़ायदा नहीं जाने का क्योंकि ये कार आने वाली है। जल्दी लगाओ भाई इस कार पे, बेकार सी कार पे बंदे बिड लगाई जा रहे हैं इतनी ज़्यादा, पता नहीं क्यों। ओके तो तीसरे नंबर पे आ चुकी है यहाँ पे ये जमीन के साथ जुड़ी हुई कार, कौन सी है भाई ये पता नहीं कौन सी है, लेकिन बहुत बेकार है, ये भी नहीं चाहिए मुझे। 4 नंबर, अब मुझे लग रहा है कि 4 नंबर पे कोई बढ़िया सी कार आ सकती है, क्योंकि तीनों पे बेकार कार आई है, तो 4 नंबर पे देखते हैं, बस इन 4 में से कोई नहीं आनी चाहिए। मैं टिकट के पास ही जाता हूँ, ठीक है फटाफट से टिकट खरीद के मैं सीधा वहाँ पे जाके कुर्सी पे बैठ जाऊँगा, बस देखते हैं कि आपकी कौन सी कार है। अब घटिया कार आई है, ये भी घटिया कार है, चलो कोई बात नहीं, मैं आज इतना नाराज़ नहीं हूँ, ठीक है कार बेकार है लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि मेरे को आज का दिन अभी चाहिए। ठीक है कस्टमर आ चुका है, ठीक है अब जाके फटाफट से मैं कस्टमर से ना बात कर सकता हूँ और मैं उसको जो अपनी कार है वो बेच के, ठीक है वहाँ से मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। वेट इसको यहीं पर रोक दो, चलो फटाफट से चलते हहैं कितने कस्टमर आए होंगे, क्या लगता है 3-4 आया ना फिर फ़ायदा है यार, एक ही आया बताओ यार, देखते कितना प्राइस बोलता है ये यार। जो बंदा 4 लाख बोलेगा ना फिर उसको बेचने में थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, 3 लाख 3.5 लाख सारे बंदे ऐसे ही बोले जा रहे हैं यार, अब इनको मैं कितने में बेचूं यार बताओ, 6.5 लाख भी फिर शायद ही देंगे ये, $6,50,000 नहीं भाई नहीं देंगे 6.5 लाख, अब चलो 6 लाख भी दे दे बहुत है यार, 8,000 नहीं 6 लाख भाई, 6 लाख भी दे दे बहुत है, दे दे प्लीज़ खरीद ले। अबे नहीं यार नेगोशिएट नहीं करना, फिर निकल यहाँ से, अब मुझे फिर एक काम करना पड़ेगा, वैसे भी 8 बजने वाले तो कल ही आना पड़ेगा, काम करते फटाफट से अपने घर निकलते हैं, आज वैसे भी मुझे नहीं लग रहा कोई कस्टमर आने वाला है, तो यहाँ से निकला जाए सीधा अपने घर के लिए, कल आएंगे भाई, कल कोशिश करेंगे हम अपनी कार को बेच दें।
ओके, तो मैं आ चुका हूँ अपने शोरूम में और भाई अपने पास सिर्फ ना एक घंटा पड़ा, मतलब एक मिनट पड़ रखा है। ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है 11 बजे, तो मुझे भाई इन दोनों में से किसी को कार बेचनी पड़ेगी। 3,68,000 बोल रहा है, एक सेकंड रुक जा भाई, मैं भी तेरे पास आता हूँ, जाइयो ना कहीं, मैं तेरे भाई से बात कर लूँ। यहाँ पे एक इतना प्राइस बोलते हैं, 3,68,000 से ऊपर बोलेगा तो 64, तू रहने दे, ठीक है, इसको भेज देंगे अपनी कार। फटाफट से इससे बात करो भाई, इसको बेचो, निपटाओ यार कार को। ये फरारी बहुत बेकार है यार, बंदा इतना ज़्यादा प्राइस बोल ही नहीं रहा है, तो इसको काम करते हैं हम, 6,20,000 बोलते हैं, 6,20 में तो खरीद ले भाई प्लीज़ यार। 5,80,000 ही दे दे भाई तू, 5,80,000 में ले जा, जा इतने सस्ते। अब नेगोशिएट नहीं करना चाह रहा, बताओ अभी यार, यार टाइम बहुत कम बचा है भाई, बहुत कम टाइम बचा, मुझे लग रहा है कि मुझे बेचनी पड़ेगी यार, जा ले जा भाई, तू भी क्या इजाज़त रखेगा। देखो 10:40 हो चुके हैं, तो मुझे फटाफट से जाना पड़ेगा, अपने पास पैसे $8,42,000 वैसे हो चुके हैं, तो मैं निसान जीटर वैसे खरीद सकता हूँ इतने में अगर आ जाती है तो, एक बार ट्राई करता प्लीज़, यहाँ पर निसान जीटर आ जानी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर अपनी कार को रोका जाए। वेट वेट, बस 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 रुक जा भाई, कितना ड्रिफ्ट मारेगी, अभी मैं टिकट नहीं बाय करूँगा, बस वही हम देखने वाले हैं कि कौन सी कार आती है यार। वो ग्लिच से ना बहुत सही सीन हो जाता था, लेकिन अब हमें इतना ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है यार। यहाँ पे देखते हैं, ओ वेट, यहाँ पे गिफ्ट पड़ रखा है, एक सेकंड इसको उठा लेते हैं, क्या पड़ा है इसमें, फ्यूज़ बॉक्स मुझे मिल चुका है यार, कोई और ग्लिच नहीं, ऐसे करके देख नहीं सकता मैं यहाँ पे पीछे जाके, नहीं यार अब तो बिल्कुल ही इन्होंने बंद ही कर दिया सब कुछ ही, ठीक है। पहले पे नंबर पे तो ये वैन आई है, ठीक है, तो इसको तो हम वैसे नहीं खरीदने वाले। 2-3-4 नंबर प्लीज़ यार दे दो भाई, अब तो कोई कार दे दो, बहुत टाइम हो गया यार अब तो। ओके, तो 4th नंबर की कार भी आ चुकी है और चारों कार घटिया यार, हद कर रहे हैं भाई, एक कार भी यहाँ बढ़िया नहीं दी उन्होंने, बताओ कम से कम यार वही दे देते, कम से कम सुपरा वगैरह, मेरे को ऑडी R8 दे देते यार, वो भी नहीं दे रहे यार, तो स्कैम कर रहे हैं भाई अपने साथ, बताओ बहुत बेकार दिन था भाई सही में आज का। अब देखो अब इतना पैसा मेरे पास पड़ रखा है, तो मैं काम करता हूँ, अपनी जो शोरूम की छत है ना भाई, मैं पहले उसको बनवा लेता हूँ। ओ भाई साहब क्या तगड़ी ट्रिप मारी है मैंने, लेकिन चलो इसको कंप्लीट करते हैं, कम से कम कुछ ना कुछ तो काम हम करेंगे भाई। कार मुझे चाहिए थी आज, लेकिन कार मिली नहीं, मैंने इतना भाई वेट करा, बताओ। अब एक काम करते हैं फटाफट से, यहाँ से हम चलते हैं सपोर्ट नहीं सॉरी कहाँ गया वो वॉल वाला ना, ये वाला, तो यहाँ पे ना ये ऐसे करके पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिर इसकी छत बन जाएगी ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर हम इसके ऊपर एक और जो फ्लोर है ना वो हम बना सकेंगे। तो फटाफट से अभी मैं ये वाला जो काम है वो कंप्लीट करता हूँ। पीछे का वॉल का मैं सोच रहा हूँ ना, एक सेकंड यार, वो वॉल मैंने तोड़ रखी है ना, उसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वहाँ पे मैं कुछ लगा दूंगा, क्योंकि वो ऊपर लग गया, ठीक है कोई चक्कर नहीं, अब तो मुझे लग रहा था कि ऊपर रूफ नहीं लगेगी, इसलिए मुझे कुछ लगाना पड़ेगा, लेकिन रूफ लग चुकी है, तो अब दिक्कत ये कोई बात नहीं है, बस फटाफट से मैं इसको कंप्लीट अभी कर देता हूँ। चलो भाई यहाँ पे जो अपने शोरूम की छत है वो बनके तैयार हो चुकी है, और बर्फ अंदर, भाई काहे की छत है ये, बर्फ अंदर घुस जा रही है, देखो यार क्या ये सीन, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा यार इसमें ना, गेम में थोड़ा सा लाइटनिंग का भी इशू है भाई, क्योंकि ना अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो यहाँ पे लाइट्स भी फिर ऐड करनी चाहिए भाई, ट्यूबलाइट वगैरह, ताकि अंदर उजाला रहे, डियर कस्टमर को भी भाई कार वगैरह देखने में मजा आए। लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, आज हमने बहुत कोशिश करी, एक हमें सुपर कार मिल जाती बढ़िया सी, निसान जीटर वगैरह, लेकिन नहीं मिली, बट कोई बात नहीं, अगली बार हम कोशिश करेंगे कि हमें कम से कम कोई एक भाई बढ़िया कार तो मिली जाए। तो ठीक है गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना, और हाँ एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।